संतोष जी किसी को चढ़ाओ तो इतना मत चढ़ाओ कि गिरते ही प्राण चले जाए, क्योंकि थोड़ा थोड़ी सी ऊपर से गिरे तो आदमी बचने के चांस होते हैं। शेष राम जी जो चढ़ा देते हैं, अगर वो गलती से गिर गया तो दुनिया की कोई हॉस्पिटल उसको बचा नहीं सकती। मैं कहना चाहता हूँ आप लोगों, मैं तो निवेदन करना चाहता था, ये हंसी खुशी का मौका है, अच्छी फसल खड़ी है, यहाँ पे शेष होने की क्या बात है। मैं तो एक बात मंच पे बैठे बैठे सुन रहा था तो सतवीर जी कह रहे थे हमारे सरपंच साहब कि मैंने इसकी हसमुख प्रधान नहीं देखी खेतड़ी की, बेटी मनीषा के लिए कह रहे थे। मैंने सोचा ये मेरे लिए कहेंगे कि मैंने इतना सीरियस आदमी नहीं देखा था, मुझे तो ये लग रहा था, लेकिन गलती से इन्होंने दूसरी बात कह दी। मेरे को लोग यही कहते हैं हमेशा कम्बू हुआ बैठा रहता है, सकल ऐसी दी है भगवान ने, क्या करे आप इसको कोई खाती के आरा मशीन पे छुड़वा के ले सही हो जाए, ऐसा कोई व्यवस्था है नहीं। तो इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूँ आप लोगों से, और संतोष जी एक बात और कहती बड़े मजे की बात है, आप लोगों से निवेदन इसलिए करना चाहता हूँ, ये कोई भाषण का मंच नहीं है, ये तो देव महाराज का मंच है, और मेरी बात लंबी चौड़ी कोई सुनेगा भी कौन, क्यों सुनेगा भाई, संतोष जी की तो इसलिए सुनेंगे, करोड़ों करोड़ों रुपए देते हैं क्योंकि राज में शिक्षा है। मनीषी जी की इसलिए सुनेंगे, मनीषा बहन की बेटी की जिसके पास भी करोड़ों का खजाना है, ये भी आपको कुछ दे सकती है। सतबीर की बात भी आप गौर से सुन सकते हो क्योंकि ये सरपंच है, भाई मैं तो खाम खा हूँ मेरे रह के इसलिए बात भाई, वो कहते हैं ना दूध वाली की तो कोई लात भी समझते हो आप सारी बात, इसलिए लंबा चौड़ा भाषण नहीं दूंगा भैया। संतोष जी कह रहे थे कि प्रकृति बदल रही है, व्यवस्था बदल रही है, माताएं बहने इधर बैठी हैं, पुरुष इधर बैठे हैं और दो बहन बीच में और बैठी, आपने देखा होगा तो एक बहन ऐसी बैठी है जैसे कोई मुकलाव में आई ऐसी देख रही है, इसका चेहरा कोई देख लेगा था ना तो मुंह दिखाई बंद हो जाएगा, और इधर हमारी माताएं बहने सारी मुंह गाड़ के बैठी है, कोई दिक्कत ही नहीं है। संतोष जी आपने कहा रहे इतने सीरियस हो कैसे, हमें देख रही है इसकी आंख के सिवाय किसी को दिख जाएगा ना तो बहुत बड़ा कदम हो जाएगा, फेरे हो जाएगा, इसलिए ये व्यवस्था बदल रही है, क्या करें आप, आपने बहुत अच्छा प्रोग्राम किया है, मैं कहना चाहता हूँ।